Hello everyone. So now let us discuss another type of mean that is known as combined mean. अब देखिए combined mean का formula क्या होता है या combined meaning का मतलब क्या होता है. अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए in a class और in a school, जैसे 10th standard में दो sections हैं A and B या दो groups हैं, तो उन groups का अलग अलग score हमें given है, लेकिन उन दोनों का combined score कितना होगा या पूरी 10th क्लास में जो दो सेक्शन है उनका कंबाइंड स्कोर कितना है, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो वो हमें कंबाइंड मीन बताता है. तो कंबाइंड मीन्स व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टू और मोर देन टू ग्रुप्स, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मीन. इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने लिखा मीन 1, 2. लेट्स से हमने दो ग्रुप्स एज्यूम किए, n1 इज द लेट्स से सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो n1 40, उनका सेक्शन वन का एवरेज स्कोर दिया हुआ है दैट इज मीन वन, प्लस सेक्शन टू के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस उनका एवरेज स्कोर अपॉन टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कैसे होंगे, n1 प्लस n2. तो कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ. फाइंड आउट द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब लेट्स से दो सीरीज गिवन है हमें, सीरीज वन एंड सीरीज टू. सीरीज वन का जो मीन है वो 12 है, सीरीज टू का जो मीन है वो 20 है. नंबर ऑफ आइटम सीरीज वन में 80 है और सीरीज टू में 60 है. अब वो आपको कहता है फाइंड आउट द कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन मतलब पूरी दोनों सीरीज का मिला के कंबाइंड मीन आप बताइए कितना आ रहा है. तो देखिए मैं आपको यही फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था. अब ये देखिए सीरीज वन, इसका मीन तो ये हो गया मीन वन, और इसकी जो नंबर ऑफ आइटम्स होगी दैट इज n1. मैं इसके अंदर आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा. सीरीज टू में ये इसका हो गया मीन टू और इसका हो गया ये n2. तो दिस इज हाउ, तो ये हमें n1 मीन वन, n2 मीन टू मिल गया. अब वो कह रहा है पूरे दोनों सीरीज का बताइए, तो सिंपली वी विल राइट मीन 1, 2. फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ दोबारा कॉपी करेंगे तो मैं सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं. n1 इज 80, मीन वन इज 12 प्लस n2 इंटू मीन टू, तो 60 इंटू 20, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट्स में कर सकते हो, अपॉन n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. तो मतलब यही हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों का सम निकाल रहे हो और नंबर ऑफ टोटल आइटम से आप डिवाइड कर रहे हो. तो 80 इंटू 12 हो गया 960, 60 इंटू 20 हो गया 1200, अपॉन 80 प्लस 60 140. तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड होके आएगा 06. अब देखिए 12 आप सीधा कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना बनेगा 2160 अपॉन 140. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नेट आंसर जो मिलेगा दैट इज 15.43. इट्स नॉट 154, इट्स 15.43. तो 15.43 इज आर कंबाइंड मीन, मतलब दोनों सीरीज का मिला के ऑन एन एवरेज मीन कितना आ रहा है, दैट इज 15.43. ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कंबाइंड मीन के ऊपर. सो नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन कंबाइंड मीन. दिस क्वेश्चन इज मोर टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट, सो लेट अस रीड आउट. द क्वेश्चन सेज द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 0.3 सेंटीमीटर्स. ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज फॉर द होल वीक रोज टू 0.5 सेंटीमीटर्स. हाउ मच वॉज द रेनफॉल ऑन संडे. तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में 7 डेज के हिसाब से बोल रहा है, 1 वीक. तो कह रहा है जो एवरेज रेनफॉल है, मतलब ऑन एन एवरेज मीन मंडे टू सैटरडे का 0.3 सेंटीमीटर्स है, लेकिन संडे को हैवी रेनफॉल हुआ जिससे पूरे वीक का जो मीन है वो रोज हो गया 0.5 सेंटीमीटर्स. तो बोल रहे हैं कि संडे को कितना रेनफॉल हुआ वो हमें निकालना है. तो ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप जनरली सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे क्या,
we will consider rainfall from Monday to Saturday, इसको एक पार्ट मानेंगे और संडे वाले पार्ट को अनदर पार्ट। जैसे कंबाइंड मीन में दो पार्ट होते हैं, दो सीरीज होती है, तो फर्स्ट सीरीज जो हमारी बन जाएगी मंडे टू सैटरडे वाली बन जाएगी, इसका मतलब सिक्स डेज, ठीक है। और जो हमारा जो सेकेंड ग्रुप बनेगा, सीरीज टू बनेगा, तो दैट वुड बी वन डे फॉर, दैट इज ओनली फॉर संडे। तो अगर आप कंबाइंड मीन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेवन डेज का मीन दिया हुआ है, सिक्स डेज का मीन दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है जो सेवेंथ डे था संडे, उस दिन हमारी कितनी रेनफॉल हुई। तो अगर हम चेक करें तो इसका मतलब, अगर हम मैं आपको बताऊं तो एन वन इज सिक्स डेज एंड ये वन डे क्या हो गया एक तरह से एन टू, जैसे कंबाइंड मीन में एन वन और एन टू होता है, तो ये एन वन और एन टू की वैल्यू मिल गई। अब ऊपर क्या गिवन है, मैंने बोला मंडे टू सैटरडे आप फर्स्ट सीरीज मानोगे, इसका मतलब मीन वन कितना दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझसे बोल रहा है संडे की रेनफॉल बताओ, और पूरे वीक, इसका मतलब पूरे वीक मतलब फ्रॉम मंडे टू संडे जो रेनफॉल हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कंबाइन मीन दिया हुआ है, तो कंबाइन मीन मीन्स 1.2, वो हमें दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मीन टू। मीन टू इज वॉट, कि संडे को कितना रेनफॉल हुआ, क्योंकि पूरे वीक के बारे में बात कर रहा था, तो हमने दो सीरीज में डिवाइड कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज पहले वो सिक्स डेज का डेटा बता रहा था, फिर सेवन डेज का डेटा बता रहा है, तो इसका मतलब ये कंबाइन मीन का ही क्वेश्चन होगा। तो ये पर्टिकुलर हमें गिवन है, जो एन वन और ये मीन वन हो गया, ये कंबाइन मीन सेवन डेज का गिवन है। तो ये मुझसे पूछ रहा है संडे को ऑन एन एवरेज कितनी रेनफॉल हुआ, तो ये मीन टू संडे रेनफॉल हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, हम अपना नॉर्मल कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन वन मीन वन प्लस एन टू मीन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल। अब देखिए मीन, कंबाइन मीन हमें गिवन है यहाँ पे 0.5, एन वन इज मैंने अभी आपको बताया 6 इंटू मीन वन दैट इज 0.3 प्लस एन टू इज हाउ मच ओनली वन डे संडे इंटू मीन टू, तो ये तो वन इंटू मीन टू, मीन टू ही रहेगा अपॉन एन वन प्लस एन टू, तो 6 प्लस 1 तो दैट इज 7। अब आप 7, ये 7 आ गया, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये 3.5 मिल जाएगा। 6 इंटू 0.3 तो दिस वुड बी 1.8 प्लस मीन टू, तो सिंपल हम मीन टू कैसे निकाल लेंगे, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 3.5 में से 1.8 गया, तो इट मीन्स 1.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेनफॉल ऑन संडे है, रेनफॉल ऑन संडे दैट इज 1.7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, रेनफॉल ऑन संडे 1.7 सेंटीमीटर। और आप चेक कीजिए ऑन एन एवरेज मंडे टू सैटरडे कितना रेनफॉल था, 0.3, और संडे को बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ जिससे टोटल मीन बढ़ गया 7 डेज का। तो आप देख सकते हैं संडे को हमारे अकॉर्डिंग कितना रेनफॉल हुआ, दैट इज 1.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंबाइंड मीन का एक अलग पार्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू।